फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुमन गुप्ता, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, और किंगडम ऑफ हेल्थ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपने सवाल पूछा है कि मैंने अपने बच्चेदानी में कॉपर्टी लगवाई थी और कॉपर्टी के साथ मुझे प्रेगनेंसी हो गई है, तो अब मैं क्या करूं? दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या गर्भ निरोधक उपाय आप अपनाते हैं तो वह फेल हो जाता है और आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो उस केस में क्या करना है आपको? अगर आपने IUCD लगवाई है या कॉपर्टी लगवाई है या Freedom 5 लगवाई है या मल्टीलोड लगवाई है या किसी अन्य नाम से कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस अपने यूट्रस में लगवाई है, तो आपको यह चेक करते रहना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो पीरियड है यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वह सही समय पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपका पीरियड या मेंस्ट्रुएशन सही समय पर नहीं आया है तो आप अपना यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करके देख लें। अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया है और आपके यूट्रस में IUCD या कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस लगी हुई है, तो आप सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाएं और यह डिसाइड करें कि आपको प्रेगनेंसी चाहिए या इस प्रेगनेंसी को आपको टर्मिनेट कराना है। अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो आप सबसे पहले अल्ट्रासाउंड कराएंगी, और अगर अल्ट्रासाउंड में आपकी प्रेगनेंसी ठीक दिख रही है तो डॉक्टर आपकी IUCD यानी कॉपर्टी को निकाल देंगी और प्रेगनेंसी का नियमित चेकअप करेंगी और आपको दवाइयाँ लिखेंगी। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए और आप मेडिकल टर्मिनेशन यानी कि मेडिसिन के द्वारा अबॉर्शन करवाना चाहती हैं, तब भी आपको सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, अल्ट्रासाउंड कराना होगा और IUCD को पहले निकलवाना पड़ेगा। जब आप कॉपर्टी को बच्चेदानी से बाहर निकलवा देंगी, उसके बाद ही आपका अबॉर्शन का प्रोसेस किया जाएगा, चाहे वह मेडिसिन से किया जाए या फिर सर्जिकल तरीके से किया जाए, जैसे कि सर्जिकल तरीके से हम लोग सक्शन इवैक्यूएशन DNC वगैरह करते हैं उस तरीके से। तो दोस्तों, कॉपर्टी के साथ प्रेगनेंसी होने के कई कारण होते हैं, जैसे कि अगर कॉपर्टी बहुत पुरानी हो गई है, उसकी समय सीमा अगर 5 साल है, 3 साल है या 10 साल है, वह निकल चुकी है तो आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, या फिर जो कॉपर्टी है अपनी नियमित जो जगह है, जो उसका राइट प्लेस है, उससे खिसक के थोड़ी सी नीचे आ गई है, तब भी आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। और हर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की एक फेलियर रेट होती है जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। तो आप निराश ना हो, अगर आपका पीरियड सही समय पर ना आए तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके एक बार जरूर देख लीजिए और अपने आसपास के डॉक्टर से सलाह लेकर ही अपना प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।